24 न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले निरंजन दास के अपहरण के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में सारे लोग पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बागमुंडी के रहने वाले हैं। उनके पास से मोबाइल और अपहरण में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले आसा दास ने एक सूचना पुलिस को दी थी कि उनके पति निरंजन दास को एक बुलेरो कार संख्या JH22D5807 पर सवार 5 लोग उठाकर फिरौती के लिए ले गए। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन कर छापेमारी की, जिसके बाद 4 घंटे के अंदर अपहरण किए गए निरंजन दास को पुलिस ने घर दबोचा और फिर अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों में पुरुलिया के बाग मुंडी के रहने वाले डॉक्टर उर्फ चमन खान, सुदीप राय, तपक रजक, करुणा रजक और विकास सिंह मुरा यानी चमन खान का चालक शामिल है। उनके पास से मोबाइल फोन और गाड़ियां जब्त की गई है। घटना का मास्टरमाइंड चमन खान है। पूछताछ के दौरान बताया गया कि पैसों के खातिर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निरंजन दास के अपहरण करने की बात स्वीकार की गई है। अपहरण के दौरान अपहृत और अपहृत करने वाले लोगों को 7 पकड़े गए हैं। यह अपहरण की घटना को 4 घंटे में ही निपटा लिया गया, जो पुलिस की उपलब्धि है। कल यानी कि दिनांक 29 फरवरी 2024 को संध्या में बिरसा नगर थाने को एक शिकायत मिली कि संध्या 6 बजे एक व्यक्ति को उसके घर से कुछ लोगों के द्वारा, तकरीबन 4-5 व्यक्तियों के द्वारा जबरन अपने 4-पहिया वाहन में बिठा करके ले जाया गया है। इस तरीके से उनका अपहरण कर लिया गया है। उनकी पत्नी के द्वारा ये शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और गाड़ी का एक नंबर तो नहीं था, लेकिन एक मोटा मोटी गाड़ी का एक दौरा भी उपलब्ध कराया। उसको लेकर के तुरंत ही अपनी टीम सक्रिय हुई, जिसको SP City मॉनिटर कर रहे थे और DSP City उसके लिए अगुवाई कर रहे थे। और इस प्रकार की सूचना मिली कि ये लोग बंगाल की तरफ रवाना हुए हैं, पुरुलिया जिले की तरफ पटंदा कमलपुर होते हुए। संबंधित थानों में भी चेकिंग लगाई गई और पुरुलिया जिले के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया और पुरुलिया पुलिस का इसमें काफ़ी सहयोग मिला। और अंतर बागमुंडी थाने से जो है वो गाड़ी भी डिटेन हुई और इसमें जो 4 व्यक्ति थे, कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति जो थे, वो 5 व्यक्ति वहाँ से पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो यह समझ में आया कि इसमें डॉक्टर चमन खान नाम का एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने साथ अन्य 4 लोगों को लेकर के आया था। और यहाँ जो व्यक्ति निरंजन दास है बिरसा नगर का, उसको ये लोग उठा करके ले जाने के जुगत में थे। और इनका आरोप था कि इसने जो है उनके पैसे रखे हुए। वस्तु स्थिति यह है कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इस व्यक्ति के द्वारा, जो बिरसा नगर का व्यक्ति है, 1,00,000 रुपये उनसे लिए गए थे, ऐसा उनका आरोप है। और उस व्यक्ति ने अन्य कई व्यक्तियों से वहां पर बागमुंडी क्षेत्र में और अपने आसपास के इलाके से पैसा दोगुना करने के नाम पर काफ़ी सारा पैसा लोगों से लिया हुआ। जब उनके द्वारा उस पैसे की मांग की गई कि भाई हमारा पैसा वापस करो, जो दोगुना आपने कहा है कि हम करके देंगे, तो उसने उन लोगों को एक तरीके से भरमाया कि जो बिरसा नगर का रहने वाला व्यक्ति है उसको मैंने एक बड़ी रकम दी हुई है और वो नहीं वापस कर रहा है, इसलिए आपके पैसे नहीं मिल पा रहे। और ऐसा करके उसने और लोगों को भी जुटाया और ये सारे लोग यहाँ पर लेकर के आए और दबाव डाल करके एक तरीके से इसको ले जा रहे थे, जबकि बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उतनी कोई बड़ी रकम इसको नहीं दी गई थी, बहुत ही छोटी रकम दी गई थी उसकी तुलना में। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लोग फंसाने के चक्कर में थे। और जो भी ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है इन लोगों के द्वारा, उसका कोई भी दस्तावेजी, कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सच नहीं है। लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा बहुत तेज़ी से कार्रवाई की गई और पुरुलिया पुलिस के सहयोग से 4 घंटे के अंदर जो अपहृत व्यक्ति था उसकी भी बरामदगी हुई और इसमें शामिल जो 5 व्यक्ति थे और जिस वाहन का इसमें उपयोग किया गया था उसको भी जब्त किया। इसमें मोबाइल और टैबलेट भी बरामद हुआ है जी। और सर इसमें इसके पहले ही पुलिस के द्वारा जो है उन लोगों को, उनकी प्लानिंग यही थी कि उसको ले जाकर के किसी जगह पर रखा जाए और उसके बाद पैसे की डिमांड की जाए। उसके पहले वास्तविक रूप में देखा जाए तो जिस ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है वो बहुत छोटा ट्रांजेक्शन है, उसकी एवज में जो ये लोग क्लेम करने की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी रकम, तो निश्चित तौर पर फिरौती के रूप में ही वसूली जा सकती थी,
तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इनका तो बड़ी रकम क्या है सर? बड़ी रकम तकरीबन 20 लाख। 20 लाख। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24 न्यूज़।